गुड मॉर्निंग गाइज। और ये कैमरा स्टार्ट होने का वेट कर रही थी कि कब मैं कैमरा खोलूं, कब ये कर्टेन्स हटा करके दिखाएं और ये शो कर सके घर में कितना काम करती है। 7 बजे का मेरा अलार्म बजा था और कल रात को इन्होंने मुझसे कहा था कि सुनो 7 बजे मुझे उठा देना। मैंने कहा शर्त लगा लो तुम उठ नहीं पाओगी। मैंने 7 बजे इनको बोला कि सुनो सुबह हो गई है उठ जाओ, तुमने कल रात को मुझसे कहा था सुबह 7 बजे उठाने की। और गाइज लिटरली ये उठी थी 7:46 पे, 7:46 AM पर ये उठी और सुबह से घर में हल्ला कर रही है, मम्मी को बोलती फिर रही है मम्मी इन्होंने मेरे को 7 बजे नहीं उठाया। गाइज क्या बताऊं, और मम्मी से मेरी डांट पड़वाई किस बात को लेकर। गाइज देखिए ये जो आपको येलो स्टेन्स दिख रहे हैं, सब्जी कल मुझसे फैल गई थी, मम्मी को बता रही है मम्मी देखो इन्होंने बिना न्यूज़पेपर लगाए खाना खाया था और ये सब्जी फैला दी है। कितनी चुगल खो रहे गाइस ये। शिकायत नहीं करी मैंने, सच्चाई बताई है, चुगली तुमने करी। हाउ एरोगेंट। हम ये आर्टिफिशियल ग्रास लेकर के आए थे, हमने अपनी बालकनी में बिछाई हुई है। कैसी लग रही है जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ये कुछ प्लांट्स भी हैं, ये कुछ प्लांट्स हम लोग लेकर के आए थे, गुड़हल का, हिबिस्कस पिंक का और एलोवेरा, ये 3 प्लांट गेंदे के। गाइस कल यहाँ पर लगुन सगाई थी और देखिए कैसी अस्त व्यस्त स्थिति में चेयर्स पड़ी हुई हैं। वहाँ पर पत्तल का आयोजन था, उधर बुफे था उस साइड में, और अब तो मामला सारा निपट चुका है। हम तो गाइस यहाँ बालकनी में इधर ही बैठ गए थे और यहीं से पूरा लुफ्त उठा रहे थे। यहाँ इस साइड कहीं पर डीजे लगा हुआ था, खूब पेल के डुच्चुक डुच्चुक हो रही थी गाइस, हमने खूब डुच्चुक डुच्चुक का लुफ्त उठाया। और चलिए अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, देखता हूँ इन्होंने क्या प्रिपेयर किया ब्रेकफास्ट में। मना कर दिया था स्पेशल मत बनाना। मैंने बहुत मेहनत से एप्पल काटे हैं। ओहो बहुत मेहनत से काटे। गाइस ये दुग्ध बना दिया तुम्हारा मेरा, ठीक है। और बद्दू का है, बद्दू ये रहे, यानी कि बादाम, बता तो दो यार बादाम बादाम। और वो क्या पता हम किसको क्या बोलते हैं। गाइस आज पालक पनीर बनने वाली है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है बॉइल हुए पालक की। फ्लैश क्यों नहीं आ रही है, अंधेरा आ रहा है। गाइस को दिख रहा है, गाइस को नहीं दिख रहा, फ्लैश ऑन करो। गाइस आज पालक पनीर बनने वाली है, पालक बॉइल हुआ है, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। और अभी हम टोस्ट और ले लेते हैं नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। ये प्लेट नाश्ता बोलो या ब्रेकफास्ट बोलो, एक ही बात है। रुक जा। अब मैं गाइस आपको दिखा नहीं सकता हम कितनी क्वांटिटी में टोस्ट लेंगे, मैं अभी रखता हूँ। टोस्ट इसमें भी है, इसमें भी टोस्ट है कुछ। भैया 3 ही बचे। मैंने बड़ी शौक से बोला गाइस इसमें भी टोस्ट है, देखिए इसमें 3 ही बचे हैं केवल। पहले आप लोग पेट बल लें, फिश को बाद में बल लेंगे। गाइज एक बात और मैं बताना चाहूंगा, कल रात को इस लड़की को लगी थी भूख और इन्होंने मेरे से कहा कि सुनो मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। रात का 1:30 बज रहा था, नींद में थी, नींद में से एकदम उठ के बोलती है कि मेरे को भूख लग रही है। तो मैंने बोला कि सुनो इस वक्त घर में नमकीन और बिस्किट तो है नहीं क्योंकि मैं सब कुछ चढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि सुनो टोस्ट ले आऊं। मेरे से पता है रात को 1:30 बजे बोलती है, ये शायद 1:45 बजे थे कि 1:30 बजे थे, आई एम नॉट श्योर। इन्होंने मुझसे कहा कि सुनो मैगी बना लाओ। फिर मैंने इनको पता है क्या ज्ञान दिया, मैंने इनको रुझाया कि अगर मैं अभी मैगी बना लाया ना तो कब तक मैगी प्रिपेयर होगी, फिर हम उसको कब तक खाएंगे और कब सोएंगे, क्योंकि उठना मॉर्निंग में मुझे तो 7 बजे। अब ये 7:45 पे उठे वो इनका लुक आफ्टर है। तो फिर फाइनली मैंने इनको टोस्ट खिलाया और मैंने भी खाया और फिर हम रात को सो गए। सो गाइस यहाँ पर ये बना रही है पालक पनीर और मसालेदानी में से क्या क्या डालती जा रही है। मैंने डाला हींग और जीरा इन्होंने डाल दिया है। गाइस ये प्याज और पनीर कटे रखे हैं। प्याज फ्राई हो रही है और एक पनीर गिर चुका है गाइस, समेट लिया गया है वापस। गाइज मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था फोन पे, इन्होंने कहा कि फोन रखो और पहले मेरी वीडियो शूट कराओ। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपनी ड्यूटी पे वापस और मैं उनकी वीडियो शूट करा के अब फिर मैं निकलूंगा कोर्ट के लिए। पालक पनीर मसाला है अपने यहाँ? अच्छा, तो क्या अपने हाथ के टेस्ट के लिए क्या करना होता, अपना हाथ काट के डालना होता है कढ़ाई में? अच्छा चलो बनाओ, खाना बनाओ मोटू। गाइस ये प्याज हमारी पीली पड़ चुकी है। गाइस जो बॉईल की हुई पालक थी पूरी कढ़ाई के अंदर इन्होंने बॉईल करके पीस करके और कढ़ाई में डाल दी है और उबली हुई पालक के अंदर से गाइस बहुत ही गंदी बदबू आती है। गाइस आप में से किस किस को पालक आलू की सब्जी पसंद बताइएगा कमेंट में। मुझे तो बहुत ही गंदी लगती है गाइस पालक आलू की सब्जी। गाइस तो अभी मम्मी पापा जा रहे हैं वहाँ पर, क्या बना रही हो आज तुम डिनर में? हाँ पापा बाय कर रहे हैं। मम्मी आप भी कर दो बाय। मम्मी इधर देखिए कर रहा हूँ। हाँ बताओ आज तुम बना रहे हो।
क्या बना रही हो? कड़ी राइस और सूखे आलू। बता दीजिए क्या पूछ रहे हो। कैमरे में बताओ ना। कड़ी राइस सूखे आलू एंड मम्मी पापा जी के लिए रोटियां। तीखे चटपटे बनाना। कतई तीखे? ठीक है ठीक है। तीखे स्पाइसी स्पाइसी। गाइस ये देखिए इनने घर पे दही जमाया। इससे पहले हमारे यहाँ मदर डेयरी का प्रोबायोटिक दही आता था, 60 रुपए का एक डब्बा वो पड़ता था। मुझे बता, बहुत खुशी हो रही है, मैंने आज दही जमाया है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा इधर हाँ। इधर देख के बताओ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो तुम टेस्ट करके देखोगे। कट कर। नहीं नहीं मैं टेस्ट नहीं कर रहा, तुम बस सीधे कड़ी। गाइस कड़ी बन रही। अरे मैं नहीं ले रहा। देखो कितना प्यारा कटा है। इतना सारा मत दो बाबा, इतना ठीक है। मस्त है मस्त। तो हम इसके बनाने वाले हैं कड़ी। कड़ी बनाने के लिए मैं पता है मैं थोड़ा सा ना दही छोड़ दूंगी। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे इसमें और दही जमाना है इसलिए। देखो ना कितना प्यारा दही है। वही तो देख रहा हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारी कड़ी खदक रही है और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। वाओ, तो यहाँ बन रही है पकौड़ी के लिए बेसन फेंटा जा रहा है, क्योंकि जितनी फेंट अच्छी पड़ेगी उतनी पकौड़ी अच्छी बनती है ना। तो इस काम को मैं ना पकड़ाती हूँ कि चलो मेरा दिमाग मत खाओ, चुपचाप से इसे चलाओ। यहाँ थोड़ी मैं गैस लो कर ले रही हूँ। कड़ी मुझे अच्छे से खदकानी है। कड़ी अच्छे से खदकेगी ना बढ़िया सी बनेगी। सो गाइस अभी पकौड़ियाँ तैयार हो रही हैं कड़ी के लिए। कड़ी हमारी खदक चुकी है। कड़ी हमारी खदक चुकी है। कुछ पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। इनमें नमक डालना मैं भूल गई थी, तो इसमें फिर बेसन में नमक बढ़ाया। नमक बढ़ाने के बाद में नमक बढ़ाया बढ़ाना होते हैं नमक ऐड किया। नहीं नहीं तुम भी सही बोल रहे हो, मैं तो मस्ती कर रही हूँ। गाइस एक बूंद का फैल गया यहाँ पे। क्या फैल गया है? बूंद का। बूंद का क्या होता है? एक बूंद। यार तुम आज क्या बोल रहे हो? बूंद का बढ़ाया है। मम्मी पापा रेडी हो चुका है, खाना सर्व हो चुका है। कड़ी है, सूखे आलू है और ये फूली फूली गरम गरम रोटियां। देखिए यार कड़ी और ये हम लोगों की कड़ी है, स्पाइसी चटकदार मटकदार। मैं अभी बना रही है मम्मी पापा के लिए रोटी। हमारे इसमें रेडी हो रहे हैं राइस। देखते हैं गाइस। सॉरी इसमें आलू हुए हुए और तो काफी स्पाइसी लग रहे देखने में। और राइस कहाँ है? गाइस हम लोगों का खाना आ चुका है। ये देखिए भाई साहब बहुत ही स्पाइसी सूखे हुए आलू हैं। ये है कड़ी। देखिए भाई साहब कतई लबालब भरी हुई। और ये मूली का कस है, ये राइस है और एक एक हम रोटी भी खा रहे हैं। मैंने पहले बोल दिया मैं आपसे खाऊंगी। और गाइस मतलब जो स्पेशल बात है वो ये है कि हम लोग ये हाथ से खाएंगे कड़ी राइस। स्पून हम लोगों ने यूज नहीं करनी है। तो हम लोग अपना डिनर करते हैं। देखिए गाइस बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोगों ने मंगाई है रबड़ी और ये GMB से हम लोगों ने मंगाई है। ये देखिए ठीक है। और वीडियो को वीडियो बना रहा था, मम्मी छुप गई, मम्मी को ना ले लूं। और उधर हम अपनी शादी की वीडियो भी देख रहे हैं गाइस लैपटॉप पे। हम देख रहे हैं अपनी शादी की वीडियो और उसके साथ में रबड़ी खाने का मन हो रहा था बहुत ज्यादा पापा जी का, तो हमने जस्ट अभी ऑर्डर किया है रबड़ी। हम रबड़ी के साथ साथ में देखेंगे वीडियो कैसेट और मजा लेंगे। और ऐसे आप लोग मजा लीजिए। गाइज ये आ चुकी है रबड़ी। पापा बहुत ज्यादा मेहनत करके चार जगह इसको सर्व करके ट्रे में रख के लाए स्पेशल वीडियो के लिए। पापा दिखाओ। बच्चों आप लोग थोड़ा सा शो ऑफ कर लेना ठीक है। गाइज हम लोग रबड़ी का मजा ले रहे हैं। यस आप लोग भी कुछ खाने का मीठा खाइए। बाय बाय।